90 के दशक में जब एक महिला को घर से निकलना बहुत मुश्किल होता था, उस दौरान लखनऊ की रहने वाली पूरन त्रिवेदी ने राम जन्मभूमि के आंदोलन में शिरकत की, बहुत सारे लोगों को जोड़ा। कैसे ये सफर पूरा चला, हम बात करेंगे पूरन त्रिवेदी से। आपने इस सफर को किस तरह से शुरू किया और राम मंदिर के लिए उस दौर में काम करना बहुत चुनौतीपूर्ण रहा होगा, खास करके एक महिला के लिए। जी देखिए, मैंने 86 में ज्वाइन किया, तब एक महिला संगठन हुआ करता था, लेकिन 89 में थोड़ा ऐसा माहौल बना कि उसके लिए यंग ग्रुप को जुड़ना जरूरी था। यंग ग्रुप के लिए बॉयज का तो बजरंग दल बनाया गया और लेडीज के लिए दुर्गा वाहिनी। तो चूंकि 86 से मैंने ज्वाइन कर लिया था, काफी काम कर चुकी थी मैं, तो लखनऊ महानगर का काम मुझे दे दिया गया। और उस दौरान मैंने जो है, ये आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, उस दौरान मैंने गर्ल्स को जोड़ना शुरू किया। और मेरी एज भी बहुत कम थी, मैं 29-30 साल की थी। तो जो पहले से जो लोग काम कर रहे थे वो हमारी संरक्षिका के रूप में हमें साथ रहती थी। और फिर पूरे लखनऊ महानगर में मीटिंग करके जाके लड़कियों को जोड़ना, उनके पेरेंट्स को समझाना कि कैसे कैसे हम ले जाएंगे, आपकी लड़की कितनी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि हमारे पास में वही 14 साल से लड़कियों की शुरुआत थी, 14 साल से लेके आगे तक की। तो लड़कियों को समझाना, ले जाना, उनके पेरेंट्स को समझाना कि कितनी सेफ हैं आपकी लड़कियां और कैसे मैं अपने साथ इनको रखूंगी, ये सब बताना। इसके अलावा शिविर लगा करते थे जिसमें गर्ल्स को जूडो, कराटे, दंड, कुश्ती सब चीजों की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो ये शिविर साल में एक बार लगते थे। और उसके लिए हमारे पास कोई वैसी गर्ल्स तो थी नहीं कि जो सारी चीजें अफोर्ड कर सके उसके लिए, क्योंकि उसमें एक यूनिफॉर्म भी होती थी।